आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2018 के सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका जेएसओ में सिलेक्शन हुआ है। हेलो, मेरा नाम भरत झा है। मैंने इसी बार सीजीएल 18 का जो अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया है, मैंने उसे क्लियर किया है और मुझे जेएसओ का पोस्ट मिला है। अगर आप फ्री में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीयर टू की, जिसमें सिर्फ जो है वो मैथ्स और इंग्लिश तो सारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है, और चूंकि आपने जो है वो जेएसओ क्वालिफाई किया है तो आपको जो है वो स्टैटिक्स का भी पेपर देना पड़ा था। तो पहले मैं आपसे स्टैटिक्स के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि जेएसओ के लिए जो एस्पायर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो जो है वो स्पेशली इस टारगेटेड वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहले आप जेएसओ के बारे में बताएँ कि उसके पेपर के बारे में, और फिर जो है वो इंग्लिश और मैथ्स के बारे में। जेएसओ का जो पेपर होता है, क्योंकि दो पेपर्स तो आपको क्लियर करने ही होते हैं, आपके पास एक एडवांटेज ये होता है एसएससी केस में कि आपका जेएसओ का पेपर मिला देने के बाद आपका ओवरऑल मार्क्स काउंट होता है मेरिट के लिए, जेएसओ के मेरिट के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पेपर वन और टू, दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश, अगर वो दोनों पेपर आपके अच्छे जाते हैं तो जेएसओ के लिए भी आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। जैसे इस बार कट ऑफ क्या है, 630 के करीब गया है, 630 से थोड़ा कम है, तो 630 जो है वो आपका उसमें इंक्लूडेड है। आप जो मैथ्स में स्कोर किया है, इंग्लिश में स्कोर किया, उसको इंक्लूड करते हुए कुल मिला के पीटी 200 मार्क्स, मैथ्स 200, इंग्लिश 200, 600, फिर जेएसओ 200, 800 और 100 डिस्क्रिप्टिव का, 900 में से 630 ही गया है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता नहीं है। और उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है किससे, सिर्फ जो मैथ्स और इंग्लिश का आपने मेंस में दिया है उससे, तो वो दोनों आपका अच्छा है, तो वो एक एडवांटेज आपके पास पहले से। उसके अलावा जेएसओ के लिए मैं अगर बताऊँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया था, एक पीडीएफ दिया था जिसमें की स्टेटिस्टिक के बहुत सारे चैप्टर वाइज थे। मैंने लास्ट के मुझे लगता है एक महीने ट्राई किया था, बनाया था क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा सीख सकता था सीखा था मैंने, क्योंकि मेरा भी स्टैटिस्टिक के लिए ये पहला ही इंटरेक्शन था स्टैटिस्टिक से। मेरा ऐसा कुछ खास पहले से पढ़ा हुआ था नहीं स्टैटिस्टिक, तो जो मेरा मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स था उसने सपोर्ट किया, और उसके बाद स्टैटिस्टिक में मैंने 70-75 के करीब स्कोर किया था, जिससे कि मेरा ओवरऑल मेरिट में अच्छा खासा बन गया, 640-650 के आसपास मेरा मार्क्स है, जिस वजह से कि कट ऑफ क्लियर ही। ओके सर, तो जेएसओ के स्टैटिक्स के पेपर के बारे में आपने बताया, और इसका जो है वो सोर्स कहाँ से होना चाहिए जेएसओ के लिए स्पेशली, जो इसकी पेपर एक्स्ट्रा पेपर होती है, क्योंकि मेंस के लिए इजीली मैथ्स और इंग्लिश की तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि ढूंढने से तो कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ मिलेगा, लेकिन आपने कौन सोर्स से जो है तैयारी की थी? और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक पीडीएफ दिया था, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि मैं स्टैटिस्टिक्स के लिए एक्चुअली खोज रहा था। उतने शॉर्ट टाइम में किसी टीचर से क्लास लेकर के वो सिलेबस कवर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो तो संभव था नहीं। तो मैंने एक अपने फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने मुझे, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था एक पीडीएफ, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे, वो भी मैं पूरा कवर नहीं कर पाया था। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के पेपर में 30%, विच मीन 60 मार्क्स, वो एटलीस्ट लाने हैं, तो आप एटलीस्ट 100 मार्क्स का कवर करके जाओ स्टैटिस्टिक के लिए। हाफ पोर्शन भी अगर कवर करके जाते हैं, और अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो आप स्टैटिस्टिक का सिलेबस कवर कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट के लिए भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी। अगर आपको जो है वो पीडीएफ चाहिए होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो वो भी जो है वो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करें। ओके, और सर इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश के बारे में, क्योंकि जो है ये दोनों जो है वो आपके पीटी में भी आती है और अब मेंस में भी है, लेकिन यहाँ पे है कि इंग्लिश जो है कहीं स्कोरिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको कोई आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले जो है वो मैथमेटिक्स के बारे में बता दें कि मैथमेटिक्स के मेंस के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, मैथ्स का तो अभी हमने इस बार 2019 वाला पेपर देखा है, 15th और 16th को अच्छे लेवल का, एक जो जेन्युइन होना चाहिए उस लेवल का क्वेश्चन था 15th और 16th को जो हुआ एग्जाम नवंबर को। वही 18th को जो पेपर आया था वो बिलो द एवरेज, काफी नीचे कहेंगे, मैंने भी दिया था वो पेपर और हार्डली एक घंटे मुझे लगे थे 100 के 100 क्वेश्चन करने में। अनफॉर्चुनेटली 200 में 200 मार्क्स लाने के बाद भी मुझे पता है कि बहुत अच्छा मैं नहीं जा पाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम होती है एसएससी के केस में। बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना तो सही नहीं होगा, लेकिन मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर अगर करना चाहते हैं तो
आप पहले देखिए आपका मैथ्स किस लेवल पे है। अगर आपका पूरा ही अभी आप बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए, उसके साथ क्वेश्चन बनाइए, और जब एक बार आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद मॉक लगाइए। मॉक बहुत लोग लगाते हैं लेकिन उसमें वो लोग ध्यान ये नहीं रखते हैं। मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने का मतलब है कि आप उसको एक एक क्वेश्चन को देखें आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद आप उसमें देखिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। वो आपको पर्टिकुलर एक पैटर्न दिखेगा कि हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है मेरा बार बार फंस रहा है और इस चैप्टर का बार बार बन जा रहा है इसलिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे वो वीक स्पॉट्स चुन चुन के उसको क्लियर करना शुरू कीजिए, आपका मैथ्स ऑफ कोर्स अच्छा हो जाएगा। और सर इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश देखिए मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से 2018 का पेपर जब से आ रहा है सीजीएल का, टीसीएस में जब से वेंडर बने हैं वो लोग, तो तब से इंग्लिश का पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, इंग्लिश का पेपर इजी ही आ रहा है। मेरे दोनों ही बार रॉ मार्क्स 180 प्लस थे और नॉर्मलाइज होकर के 2018 में मेरे 192 193 के आसपास थे, और इस बार देखते हैं कितना आता है। 2019 का तो इतना नहीं, तो इंग्लिश इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटे लेवल पे भी आप अगर प्रिपेयर करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, वोकैब वगैरह पे काम करते हैं तो। ओके सर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा लगा आपने जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। और अगर आप सभी व्यूअर्स को कोई भी अगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं सर से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो है वो कमेंट्स का जो है वो कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है और जिस कमेंट पे जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक्स आएंगे तो उस पर जो है वो मैं स्पेसिफिकली सर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोज़ भी जो है उस पर बताएँ। और अगर आपको और भी कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट